वनवास खत्म होने के बाद भगवान अयोध्या वापिस आ गए थे। एक दिन की बात है, वह अपने दरबार में कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। उसी समय महादेव ब्राह्मण के भेष में, वृद्ध ब्राह्मण के भेष में उसी पंक्ति में बैठ गए जहाँ पर ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। खाना परोसा गया, सभी खाना खाने लगे, लेकिन ये क्या, सभी ब्राह्मण खाना खाकर उठ गए, लेकिन वो ब्राह्मण उठ ही नहीं रहा था, उसका पेट ही नहीं भर रहा था। इतने में ये बात धीरे धीरे करके चारों तरफ फैल गई। सबको घर दरबार में सभी को पता चला कि एक वृद्ध ब्राह्मण आया है जो कि सुबह से भोजन कर रहा है और अभी तक उसका पेट भरा ही नहीं है। भगवान तो समझ गए कि ये महादेव की लीला है, लेकिन कोई और नहीं समझ पाया था। यह बात सीता जी के पास पहुंची। जैसे सीता जी को इस बात की खबर लगी, वो तुरंत उस ब्राह्मण के पास आई और क्षमा याचना करने लगी। बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस घर की गृह स्वामी होने के नाते आपको भोजन कराना मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैंने अपना दायित्व तो नहीं निभाया, हमें क्षमा कीजिए। अब आप भोजन करने बैठिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। जैसे ही माता सीता के हाथ से बना खाने एक निवाला महादेव ने खाया, वैसे ही उनका पेट भर गया और वो डकार लेने लगे। उसके बाद महादेव बोले कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, लेकिन मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं खुद जाकर नहीं सो सकता और मेरा पेट भी काफ़ी भरा हुआ है, इसलिए आप किसी से कहकर मुझे बिस्तर तक पहुँचा दें, मैं खुद जाने में असमर्थ हूँ। लेकिन रुद्र के अंशावतार रुद्र की शक्ति का पार कैसे पा सकते हैं, हनुमान जी महादेव को उठाने में असमर्थ रहे। धीरे धीरे करके सभी उस वृद्ध ब्राह्मण को उस जगह से उठाकर बिस्तर पर ले जाने में असमर्थ रहे। आखिर में लक्ष्मण जी आए और उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। महादेव सोते रहे और वहाँ पर सभी उनकी सेवा करते रहे। काफ़ी देर सोने के बाद से महादेव की जब आँख खुली तो महादेव माता सीता, भगवान श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सभी को अपने समीप सेवा करते हुए देखकर भाव विभोर हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। उनका वास्तविक रूप देखकर सभी हैरान रह गए, अरे ये तो महादेव हैं, यह महादेव की कृपा है। इस तरह से महादेव ने भगवान श्री राम की परीक्षा, इस तरह से महादेव ने वहाँ पर उपस्थित सभी की परीक्षा ली और महादेव काफ़ी प्रसन्न हुए।